नमस्ते। हर रोज सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ढेर सारे पैसे बचाने के लिए हमारे टेलीग्राम या फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मिलेंगे सबसे बेस्ट डील्स और ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम ढेर सारा डिस्काउंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं Xiaomi का मी बैंड 5 के बारे में। तो रिसेंटली Xiaomi इंडिया ने जो है वो अपना मी बैंड 5 जो है वो लॉन्च कर दिया। हालांकि मैं मी बैंड 4 यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पता है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो इसका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो रिसेंटली इन लोगों ने लॉन्च किया है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं इसके प्राइस, फीचर्स कब सेल में आने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है, सारा चीज़ मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि Xiaomi का मी बैंड है वो क्या प्राइस पे आपको मिलने वाला है। मी बैंड 5 ये आपको मिलने वाला है 2499 में, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये आपको Amazon और Mi.com पे मिलने वाला है। अभी अवेलेबल है, 1 अक्टूबर से इसका सेल जो है वो स्टार्ट हो गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर लेना। और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वहीं से बाय करना, ताकि चैनल को हेल्प होगा ग्रो करने के लिए। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 7 अक्टूबर का इसका नेक्स्ट सेल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इसमें 8 फीचर्स जो है वो इन लोगों ने दिखाए हैं। आपको मैं कंपैरिजन चार्ट भी पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है मी बैंड 5 और मी बैंड 4 में। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले देखो इसका 1.1 इंच का है, जो कि मी बैंड 4 में आपको 0.95 इंच का मिलता था। और दोनों में AMOLED डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। और इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो मी बैंड 4 का देखो 120x240 है और मी बैंड 5 का 126x294 है। और निट्स में भी दोनों में डिफरेंस है 50 का। मी बैंड 5 में 450 है और मी बैंड 4 में 400 दिखाई दे रहा है। और वर्कआउट मोड्स की बात करें तो इसमें 11 मोड्स आए हैं, जो कि पहले 6 मोड्स अवेलेबल थे मी बैंड 4 में। और अगर चार्जिंग की बात करें तो मी बैंड 4 जो है उसमें आपको जो प्रोडक्ट है वो निकालना पड़ता था अपने स्ट्रैप से और उसको चार्ज करना पड़ता था चार्जिंग डॉक के साथ में। पर अभी इसके साथ इन लोगों ने मैग्नेटिक चार्जिंग वायर दिया हुआ है, इससे आपको जो आपका मी बैंड है वो स्ट्रैप से निकालने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा। फिर एडिशनल फीचर्स इसमें दिए हुए हैं वो है पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, इम्प्रूव्ड हार्ट मॉनिटरिंग, REM स्लीप मॉनिटरिंग। फिर नया इसमें जो फीचर आया हुआ है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक एक्टिविटी डिटेक्शन और कैमरा कंट्रोल। अगर स्ट्रैप्स की बात करें तो इसमें अभी 5 स्ट्रैप कलर्स आपको मिल रहे हैं, ब्लैक, टील, पर्पल, नेवी ब्लू और ऑरेंज, जो कि आप अभी स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं। और अगर चार्जिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अभी वो बैंड जो है वो अपने स्ट्रैप से निकालने की ज़रूरत नहीं, ये मैग्नेटिक चार्जर इन लोगों ने दिया हुआ है, वहीं से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी लाइफ की बात करें तो इन लोगों ने 2 वीक्स का बैटरी लाइफ बताया हुआ है नॉर्मल मोड पर। और पावर सेविंग मोड पर अगर इसको चलाते हो तो आपको 3 वीक्स मिल जाएगा। आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने मी बैंड 4 जो है वो यूज़ कर चुका हूँ। तो मी बैंड 4 का जो बैटरी लाइफ है वो मेरे को ऑलमोस्ट 7 to 8 days चल जाता था। मैंने सिर्फ उसको एज ए वॉच और एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए यूज़ करता था। मैंने नोटिफिकेशन जो है वो सारे ऑफ रखे थे। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो आपको मैक्सिमम 4 to 5 days चलना चाहिए, ठीक है। तो बैटरी लाइफ इसका काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर वो स्पोर्ट्स मोड जो 11 बताया मैंने, जो प्रीवियस मी बैंड 4 में 6 प्रोफेशनल स्पोर्ट मोड्स थे, जो कि इंक्रीज होकर 11 प्रोफेशनल मोड्स हुए, वो उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे योगा नया इन लोग ने डाला हुआ है, जो मी बैंड 4 में नहीं था। और बाकी सारे जो एक्टिविटी ट्रैकिंग फीचर्स है वो सारे इसमें आप देख सकते हो। फिर इसके अंदर हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आपका आ जाता है, जो कि पहले वाले वर्जन में भी था। स्लीप मॉनिटरिंग भी है और आइडियल अगर आप बैठे हो तो उसका भी मॉनिटरिंग इसके अंदर दिया हुआ है। बाकी अगर इसको अगर आपको ऑपरेट करना है तो आप Xiaomi इंडिया का मी फिट ऐप जो है उसके अंदर आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, जो कि मी बैंड 4 को भी ऑपरेट करता था। वही सेम ऐप आपको मी बैंड 5 के लिए यूज़ हो जाएगा। वुमेन का नया इन लोगों ने एक्टिविटी ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ये एक नया फीचर इसके अंदर ऐड हुआ है, बाकी कुछ एडिशनल इसके अंदर ऐड नहीं हुआ है। और एडिशनल फीचर्स की बात करें तो ये सारे एडिशनल फीचर्स इसके अंदर है, आइडल अलर्ट्स, म्यूजिक प्लेबैक, फाइंड माई फोन, फोन म्यूट,
डू नॉट डिस्टर्ब, फोन अनलॉक, फिर काउंटडाउन टाइमर, कैलेंडर रिमाइंडर, इवेंट रिमाइंडर, मैसेज अलर्ट, इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन एंड वेदर फोरकास्ट, ये सारे एडिशनल फीचर्स इसके साथ आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मी बैंड 5 के साथ मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइप के वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ। आप ये चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।